explain how you join. So students, just okay, see this is your sheet. How you join? Okay, ये आपका कलर शीट है, ठीक है, वन एंड दिस इज बिहाइंड एंड द शीट, ठीक है. दो शीट आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पे फोल्ड किया गया है, देख रहे हैं, और इन बिटवीन आपको ये सारी शीट्स रखनी है. देखिए शीट नंबर वन, शीट नंबर टू, शीट नंबर थ्री, शीट नंबर फोर, शीट नंबर फाइव एंड शीट नंबर सिक्स, ऐसा जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है. शीट नंबर सेवन, शीट नंबर एट, शीट नंबर नाइन. स्टिक करने थे ये सर वो? नहीं, नहीं स्टिक नहीं करना, स्टेपल करना है. ये देखिए. सर हाँ बोलिए. सर वो जो आपने प्रिंट निकालने को बोली थी वो भी इस शीट के ही पीछे स्टिक करनी है क्या? हाँ स्टेपल करना बेटा, ये देखिए ना, चार शीट है ना, ये चारों इसी के पीछे ही है. और वो इंडेक्स पेज और वो भी उधर ही स्टेपलर करना है क्या? हाँ नहीं नहीं ये है इंडेक्स पेज, आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है. ये आपका इंडेक्स ओके पेज सर. और ये आपका सर सर्टिफिकेट. फ्रंट पेज पे जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है वो आप देंगे क्या? वो हमें ले आना है यहाँ पे. अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं अभी बना करके आपको शेयर कर देता हूँ. ये सर वो प्रोजेक्ट ओके के सर. लिए और इसके लिए भी सेम सर्टिफिकेट हाँ प्रोजेक्ट के लिए भी सर्टिफिकेट है, वो भी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आपको. है सर? एक बार फिर से भेजो ना ग्रुप पर सर शीट फिफ्थ सर्टिफिकेट. नंबर की शीट एक बार बताओ ना, फिफ्थ वाली. ओके ठीक है, फिफ्थ नंबर की शीट में फिर से ड्रॉ करता हूँ. लेकिन इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, आपको कैसे ज्वाइन करना है? सर ड्रॉनी जस्ट वो उसमें आपने पेस्ट किया है सर ना वो शीट के बता. लिए सारी और बातें तो माइक्रो प्रोजेक्ट के करेंगे लिए ना? सेम सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, डिफरेंट है. शीट के लिए, माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए मैं फिर से आज रिपीट कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ सर आपने एक ही जिनको भी नहीं सर्टिफिकेट मिला है. किया है. एक ही नहीं दो किया है बेटा, मैं दोनों आज फिर से कर देता हूँ, ठीक है. माइक्रो प्रोजेक्ट में मैंने जो शेयर किया है कि फर्स्ट सर्टिफिकेट है, सेकंड सेकंड पेज है जिसमें ग्रुप की इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है, दो पेज है, और इसमें आपका सर्टिफिकेट पेज है और इंडेक्स पेज है, लाइक दिस, ठीक है. कैसे ऐड करना है आपको, ये टू कलर शीट लेनी है, एक अपर के लिए एक लोअर के लिए, और उसके बीच में फिर आपको इंसर्ट करना है और ये आपको पिनअप कर देना है. ये देखिए स्टेपल कर दीजिए या फिर स्पाइरल करेंगे तो भी चलेगा. स्पाइरल का ऑप्शन थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, तो आप स्टेपल करेंगे दैट इज बेटर. ओके सर. तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आई थिंक दैट इज कंप्लीटेड. प्रोजेक्ट को शिफ्ट सर रेड कलर का. हाँ नहीं रेड कलर बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है. जब अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप ब्लैक कलर का या फिर जो भी कलर अवेलेबल है वो कलर ले लीजिए. और तो शीट पे आपने ड्रॉ करने के लिए कहा है
ओ इस पर स्टिक हाँ कर दूँ। हाँ जो ऑटो कैड की शीट मैंने शेयर किया है, जस्ट आपको प्रिंट आउट लेना है और उस पे अपना इंफॉर्मेशन लिखना है गिवन प्लेस पे, और शीट के यानी 5 शीट तो आपको जो ड्राइंग शीट मिली हुई है उस पे ही आप ड्रॉ करोगे, और बाकी की जस्ट आपको प्रिंट आउट लेना है एंड देन यू कैन गिव योर इंफॉर्मेशन है, आप पीछे अटैच कर दीजिए लास्ट में। सर शीट नंबर 5 में बोल्ट है ना, वो कैसे निकालने है बताइए ना। ओके ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ बोलिए। सर वो हमारे माइक्रो प्रोजेक्टर का सब्जेक्ट है ना, उस पे ऑटो कैड की प्रिंट लेकर अटैच की तो चलेगा क्या? हाँ वही किया है ना, जो मैंने 4 शीट सेंड किए, 4 शीट ऑटो कैड की सेंड किया है ना, सर हाँ उसी में से कोई एक दो लगा देंगे तो चलेगा, ऑटो कैड इज कंप्लीटेड। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका नट एंड बोल्ट्स कैसे आपको ड्रॉ करना है। मेन क्या है कि आपका जो हेक्सागोनल बोल्ट है या फिर हेक्सागोनल नट है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है ड्रॉ करने में, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कैसे ड्रॉ करना है आई विल टेल यू। सॉरी, न्यू शीट। पहले आपको फ्री हैंड ड्रॉ करके मैं शो करता हूँ। जैसे ये आपकी जो बोल्ट है उसका डायमीटर है, इसी डायमीटर। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि आपका हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2। तो ये जो मिड लाइन रहेगी, मिड सेक्शन की लाइन रहेगी, ये डायमीटर के इक्वल रहेगी, और ये जो बाहर ये साइड निकला रहेगा इसकी लेंथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर ये डी है, इफ दिस इज डी, ठीक है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी साइड वाली, दिस इज डी बाई टू, डी बाई टू, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको ये जो डिस्टेंस है मतलब डी इतना, और यहां से आपको जस्ट इसको ऐड कर देना है, ये एक कर्व में फॉर द हेक्सागोनल। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि अगर आप थ्रेड बनाना चाहते हैं, थ्रेड बनाना इज वेरी इजी, जस्ट आपको ऐसा ये ड्रॉ किया और इन बिटवीन एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे,
ये पूरा जैसे आप सेक्शनिंग करना मैंने बताया ना, जैसे पहले आपको सेक्शन जैसे ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, लेकिन ये एक्चुअल में स्ट्रेट रहेगी। फिर यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइन बीच में ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या है कि आपके थ्रेड को शो करेगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड। तो ये आपका बोल्ट हो गया। बस आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये ड्रॉ किया, तो ये अगर डी है तो जो बीच का सेक्शन होता है, ये बीच का ये जो होता है, दिस इज डी। यहाँ पे जैसे आप ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसको कर्वेचर के थ्रू मेट कर देना है ऐसे। और ये आपका, तो ये आपका बोल्ट से जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड ये जो हेक्सागोनल रहेगा ये वन साइड रहता है, ये बोथ साइड नहीं रहता है, ठीक है। किसी किसी में बोथ साइड रहेगा तो आप बोथ साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज योर बोल्ट, ठीक है, दिस इज योर बोल्ट। आपको जस्ट कंसेप्ट ये समझना है, दियर इज कंसेप्ट कि अगर ये डी है, दिस इज डी, देन ये जो लेंथ होगी यहां से आपकी, दिस इज डी बाई टू। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2D हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ ड्रॉ करके शो करता हूँ, लेकिन प्रॉपर डायमेंशन का मीनिंग ये है कि दैट आई एम ड्रॉइंग इन द फ्रॉम द माउस। सो माउस का प्रॉब्लम ये है कि माउस जैसा हम स्केच पेन से बनाएंगे वैसा नहीं देता है। ओके, तो ये हमारा 20 mm का लाइन हो गया, 20 mm। जस्ट इसकी लेंथ फिक्स नहीं रहती है ना, लेंथ फिक्स नहीं है, लेकिन डायमीटर हम फिक्स कर सकते हैं कि लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट
ये जो हाइट होती है बोल्ट की, वो भी हम डी के इक्वल रखते हैं। मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 20 mm। ओके, बिकॉज वी टेक 20 mm इज डायमीटर फॉर दिस बोल्ट। ओके ओके, सिमिलरली फ्रॉम हियर तो अभी 1 पे रखते हैं इसको। ओके, तो देखिए ये डी है 20 का, तो इधर हम 10 और इधर 10, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ तक, सो दैट इज 10 mm। सेम लाइन हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फ्री हैंड में, इन द फ्री हैंड यू कैन यूज स्केल, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों का इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, देन स्केल इज एक्सेप्टेबल। इफ यू यूजिंग दी स्केल, दिस इज दी एक्सेप्टेबल। सो हियर वी जस्ट टेक दिस कंपास, लाइक दिस।
हल्का सा शिफ्ट करेंगे इसको यहाँ पे एंड देन अभी जस्ट ट्राई टू यहाँ पे लोगों को गे कंट्रोल जेड इससे ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे हैं। सजेस्ट आई अवॉइड दिस एंड बहुत ही सिंपल सा आर्क लेना है देन यू कैन कंप्लीट। सो आई जस्ट इरेज दिस सेंटर बिकॉज वी डोंट नीड दिस सेंटर हियर। ओके दैट्स इट। और टोटल आपका थ्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि हम पूरे में थ्रेडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी जस्ट मेक दी थ्रेड्स लाइक दिस। ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं देन स्मॉल लाइन इन बिटवीन देम। तो ये क्या हो जाएगा आपका थ्रेड शोइंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए और ये आपका थ्रेड शो जाएगा। दिस इज शोइंग द थ्रेड हियर। व्हाट इज द अदर ड्राइंग हियर। थ्रेड फॉर्म ठीक है। ये देखिए टोटल कितना हुआ 2D और ये कितना है 0.8D। ये आपको गिवन है। एल एल आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप एल कितना रखना चाहते हैं। ओके और ये एक्स क्या है यहाँ पे। एक्स वो डिस्टेंस है जहां पे आपको थ्रेड शो करना है। वेयर यू वॉन्ट टू शो दी थ्रेड दिस इज डी। टोटल इज 2D। ये आपका डी रहता है देखिए सेम दिस इज डी और ये डी बाई टू। ये डिस्टेंस डी बाई टू देखिए ये कितना है डी बाई टू एंड ये डी बाई टू। तो ये बहुत ही आपको ऐसा जस्ट कर्वेचर देना है। ये इधर कर्वेचर ये यहाँ पे कर्वेचर। ओके बहुत ही स्मॉल कर्वेचर देना है। देखिए यहाँ पे करती है दैट इज वी वांट टू गिव हियर। बॉटम में कर्वेचर देना है। कर्वेचर गिवन जैसे फिर उसके बाद क्या करना है कि आप अगर बहुत ही प्रॉपर बनाना चाहते तो एक ऐसे सिमिलरली जस्ट आई विल शो यू। ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जस्ट आई शो यू कि कैसे वो इजी होगा। तो क्या करना है कि आपको ये इतना हल्का सा 1 mm आर 2 mm ठीक है ना। 1 mm आर 2 mm ये देखिए यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो अभी ये क्या कहते हैं कि आप देखिए अभी यहाँ से
ये कर भी चल लेते हुए, ये आपने मैच कर दिया। यहाँ से ये कर भी चल लेते हुए, ये आपने मैच किया। देन ये कर्वेचर आपको मैच हो गया। एडिशनल लाइन वी हैव टू डिलीट। ओके, और ये जो स्पेस है इसको हम डार्क कर सकते हैं। We have to fill that space. Like this. Okay. Again, delete the horizontal line. So this is good for the okay, see. So this is look like this. ओके, और ये आपका पिक्चोरियल भी है, दे यू कैन इजीली ड्रॉ दिस। ओके, द नेक्स्ट दिस इज फॉर द हेक्सागोनल एंड दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर इज मोर इजीएस्ट, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है कि ये देखिए, ये डी है, दिस इज डी, एक्स इज द लेंथ, थ्रेडेड लेंथ ऑफ द बोल्ट, एक्स इज द थ्रेडेड लेंथ ऑफ द बोल्ट। तो जस्ट आपको ये हाइट फिक्स है, दिस इज 0.8 डी। एल फिक्स नहीं है, आप क्या कहते हैं कि 100 mm भी रख सकते हैं, 120 mm भी रख सकते हैं, और एक्स भी फिक्स नहीं है कि आपको कितना रखना है, ठीक है। एंड यू कैन फिक्स इट 2/3। एल जितना है, अगर ये एल है देन एक्स वी कैन टेक एज 2/3 एल। टू बाई थ्री एल, तो एल अगर 120 है, 120 देन दिस इज 80, एक्स इक्वल टू 80। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1.5D+3, ठीक है ना। 1.5D, अगर हमने D मान लीजिए 20 ले लिया, ठीक है। ऑल द गेन इज डिपेंड ऑन द व्हाट डायमेंशन यू चूज। इफ डी इक्वल टू 20 हियर, इफ डी इक्वल टू 20 हियर देन व्हाट दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू। 1.5D मीन्स 30+3, दैट इज 33। तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 33। टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, 33। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज द सेम, ये जितना है सेम 33 अकॉर्डिंग टू इफ डी इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, जस्ट डी
यहाँ पे ये कितना था, ये 40 था, क्योंकि ये डी अगर 20 है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 2D, तो वो हो जाएगा कितना, 40। लेकिन यहाँ पे क्या गिवेन है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 33, बिकॉज 1.5D +3, दैट इज द 33, ठीक है ना। और ये जस्ट डायमेंशन शो कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इजी। नेक्स्ट इज जस्ट आई इरेज ऑल दीज, टेक अ बिगर साइज, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर हेडेड थ्रेड, स्क्वायर हेडेड थ्रेड में ये देखिए आपका डायमेंशन गिवन है, ठीक है। तो ये जो है 0.8D, टोटल डिपेंड ऑन दी डी, डिपेंड ऑन दी डी, लेकिन एल डी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एल कितना भी लेंथ हो सकता है, ठीक है ना। बट ये सारी पॉइंट्स आपको डी पे डिपेंड कर रहे हैं, दिस इज ऑल दीज इज डिपेंड ऑन दी डी, 0.8D एंड दिस लेंथ इज 0.8D, मतलब ये जो स्क्वायर है ये कितना है, 0.8 है, और इसकी जो हाइट है ये भी 0.8D है, ठीक है। तो ये देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट यू कैन सी 1.5D, दैट इज द सेम 33, 33 हियर। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है। सारी जो डायमेंशन है आपको डी के फॉर्म में गिवेन है, तो डी इज डिपेंड ऑन द यू, डी यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर शीट स्पेस, वट एवर दी योर शीट स्पेस इज देयर, देन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू दैट, यू कैन चूज डी 30, डी इज 20, डी इज 40, अकॉर्डिंग टू योर स्पेस, ठीक है। आपका डी कितना भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, तो जैसा आपके शीट में स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डी की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज नॉट फिक्स, ठीक है। डी एल एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, यू हैव टू डिसाइड योर ओन पैरामीटर अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दी योर शीट स्पेस, वट एवर दी शीट स्पेस अवेलेबल। एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट एनी क्वेश्चन? Now I will continue what video I am showing you for the thread form, that I will continue. So please go through this video. This is important video. So काम I का will start किसी from the लिक्विड या initial. फिर सेमी लिक्विड चीज को धकेलना। तो So इस वीडियो में हम beginning से start कर रहे हैं. Then you can understand what are the types of form or types of thread and how you can draw that thread in the AutoCAD. Okay. कुछ थ्रेडिंग्स के क्रॉस सेक्शन को ऑटोकैड में ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर 6 तरह के डिफरेंट स्क्रूज आप देख सकते हो। तो ये मैंने उनके 3D मॉडल्स बनाए हैं, और इस मॉडल की मदद से हमको इसकी जस्ट क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना सीखना है। तो इसको पहले हम ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो
थ्रेडेड स्क्रूज है, मैंने एक लिमिटेड लिमिटेड लेंथ ली है शाफ्ट की, और उसके ऊपर इस थ्रेडिंग्स को अप्लाई करके मैंने सब्ट्रैक्ट किया है मटेरियल को। अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शंस आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टॉप लेफ्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा वी, शार्प वी टाइप का क्रॉस सेक्शन। उसके राइट साइड में आप देख सकते हो दिस इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज कॉल्ड विटवर्थ थ्रेड, यहाँ पर दिस इज बट्रेस। उसके बाद ये रहा एक्मे थ्रेडिंग और ये वॉर्म थ्रेडिंग। तो इन छह थ्रेड की थ्रेडिंग्स को हमें ड्रॉ करना सीखना होगा। तो जब हम ड्रॉ करते हैं सेक्शन को, हमें इस नट को पूरी तरह से ड्रॉ नहीं करना है, हमको सिर्फ उसकी क्रॉस सेक्शन, वो भी छोटा सा भाग ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको सेक्शन में यहाँ पे बना लिया है, और ये जो सेक्शन है इस भाग को हम ड्रॉ। तो एक बार क्लोज नज़र इस पर डाल लीजिए, हमको सिर्फ एक साइड का ये सेक्शन हमको सभी में ड्रॉ करना है, ना सिर्फ शार्प सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, विटवर्थ, बट्रेस और एक्ने एंड वॉर्म, इन सभी के लिए हमको इस पार्ट का सेक्शन ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम इन क्रॉस सेक्शंस को एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है शार्प वी टाइप का थ्रेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। जो पी की वैल्यू है उसे कहा जाता है पिच, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, और पिच के हिसाब से ही बाकी के सारे डायमेंशंस को डिफाइन किया जाता है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हो इसकी जो हाइट है 0.87 पी यहाँ पे बताई गई है, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट हाइट है। और अगर आप एंगल का इस्तेमाल करते हो, 60 डिग्रीज का जो एंगल है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो बराबर से, तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइट है ये 0.87 तक आ जाएगी। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अभी सबसे पहले हमें लेना होगा एक्सिस, और ये एक्सिस की हाइट आप कितनी भी चाहे ले सकते हो। उसके हाँ उसके बाद हम लेंगे कमांड ऑफसेट, शॉर्टकट है ओ एंटर। उसके बाद हमें चुनना होगा डिस्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी जो पिच लेंथ है वो है 60, तो ओ एंटर के बाद 60 एंटर आपको दबाना है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ये जो एक्सिस आपने ड्रॉ किया है, और राइट साइड में 60 डिस्टेंस पर आपको बहुत सारे एक्सिस बनाने हैं। सो तीन ऐसे एक्सिस आपको बनाने हैं। इसके बाद हम ले लेंगे रोटेट कमांड। तो पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर हम लेंगे रोटेट कमांड, और फिर भी हमें इस पॉइंट पे इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो रोटेट का जो एंगल है वो होगा 30 डिग्रीज, और ये पहले वाला जो लाइन है ये भी हमें चाहिए। तो हम कॉपी ऑप्शन यहाँ कमांड लाइन से ले लेते हैं, और फिर हम फीड कर देते हैं डिस्टेंस 30। यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है और 30 डिग्रीज पे रोटेशन पे है। अभी हम इसका मिरर लेते हैं, एम आई इज़ अ कमांड। एम आई कमांड देने के बाद हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे मिरर लाइन पर, फिर दबाना होगा एंटर। तो इससे ये जो है एक सेट ऑफ टीथ अपने क्रिएट हो जाएंगे। फिर हम इसको करेंगे कॉपी, और इस पॉइंट से उठाकर इसे एक्सिस के हर छोर पर रख देंगे। उसके बाद हमको लेना है ट्रिम कमांड, टी आर डबल एंटर, और यहाँ जो ओवरलैप हो रहे हैं लाइंस उनको निकाल देना है। फिर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और इस स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन जहाँ भी इसको इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हम इसको निकाल देंगे। फिर हमें जस्ट इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पर एक जस्ट सीधा साधा रेक्टेंगल हम ले लेंगे, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम ट्रिम कमांड लेकर इन सारे लाइंस को निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा थ्रेडिंग। तो ये तीन लाइंस को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि एक्सेस लाइन बाहर आती हुई नजर आए। फिर मैच प्रॉपर्टीज का कमांड या मैं लेकर हम इनको इनकी प्रॉपर्टीज दे देते हैं। फिर हमको करना है उनका हैच, एच एंटर को कमांड दबाना है, फिर हैच पैटर्न हमें यहाँ से NC31 का लेकर यहाँ पे क्लिक कर देना है और एंटर दबाना है।
हमारा अगला थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड, और स्क्वायर थ्रेड को अगर हमें ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करना है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्शन भी ये बहुत ही कम देता है, तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ दिस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पी इज़ द पिच डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ, और इसकी जो टीथ की जो थिकनेस है वो आधी है, पी से आधी है, और इसकी हाइट भी आधी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पिच लिया है 60, और इसके हिसाब से हमको ड्रॉ करना है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है लाइन कमांड, पोलर ऑप्शन मैंने ऑन रखा है, और ऑन रखते हुए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहली लेंथ हॉरिजॉन्टल मैंने अंदाजे से ले लिया, फिर ऊपर वर्टिकल की तरफ रख के मैं 30 एंटर करूँगा, फिर हॉरिजॉन्टल तरफ रख के मैं 30 एंटर करूँगा। यही प्रोसीजर हमें करते हुए जाना है। हमें कर्सर को सही दिशा में रखना है, उसके बाद डिस्टेंस उसकी फीड करनी है। अब ये तीन लाइंस हमने क्रिएट कर दी हैं, तो अभी मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तो जस्ट गो टू कॉपी कमांड, और यहाँ से उठाकर मैं इसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते चला जाऊँगा। अभी हमें इसको जस्ट क्लोज कर देना है, तो एक लाइन लेकर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा लेंथ निकाल देता हूँ। तो ये बन गया है हमारा थ्रेड बहुत ईजी से। फिर जस्ट मुझे हैच करना है, तो ये पैटर्न मुझे NC31 का लेकर यहाँ पे लगाना है। फिर मैच प्रॉपर्टीज़ की मदद से मैं इनको जो थिकनेस है, मैच प्रॉपर्टीज़, फिर ये जो थिकनेस है मैं इस थिकनेस को सभी के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। हैचिंग का भी मैंने कॉपी कर दिया है, और ये नीचे वाले लाइंस भी कर दिए हैं। सो दिस वाज द स्क्वायर। अगला है विटवर्थ थ्रेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो टॉप एंड बॉटम है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ये दोनों ही फिलेट हैं और उनका रेडियस है 0.14 टाइम्स पी। पी पिच डिस्टेंस है जो कि My name is Arielle, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, I'd write long essays that. हम हमेशा की तरह यहाँ पर भी 60 का ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, और फिर से मुझे स्टार्ट करना होगा एक्सिस लेंस के साथ। फिर मुझे ऑफसेट लेना है, ओ एंटर, और डिस्टेंस है पिच का 60। फिर मुझे क्लिक करके राइट साइड इसको कॉपीज बनाते जानी है। इसके बाद मैं ले लूँगा इस एक्सिस को और इसे करूँगा रोटेट। तो RO का कमांड है, RO एंटर। फिर मैं इस पॉइंट पे इसको रोटेट करूँगा। टोटल एंगल आप यहाँ देख सकते हो 55 डिग्रीज का है, तो इसका आधा एंगल से हमें इसको रोटेट करना होगा, और साथ ही हमें इसकी बनानी होगी कॉपी भी। तो कॉपी ऑप्शन मैंने ले लिया है, और अभी एंगल जो हमको रोटेट करना है वो होगा 27.5, जो कि आधा है 55 डिग्रीज का। फिर मैं इसको कर देता हूँ मिरर अबाउट दिस एक्सिस, और इन दोनों की कॉपीज मैं हर एक्सिस पे रख देता हूँ। तो कॉपी मुझे बनानी है सर। अब ये तो हमारा जो इंक्लिनेशन है वो तो बन चुका है। अभी हमें लेना होगा फिलेट, और उसकी रेडियस यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेट करके रखी है मैंने, 8.4 लेनी है। तो हमें दबाना होगा यफ इंटर, आर इंटर, फिर रेडियस फीड कर देनी है 8.4 एंटर। फिर हमें एक एक करके इन सब पर फिलेट लगानी है। तो एक एक करके आप फिलेट का कमांड लेते जा सकते हो, या फिर मल्टीपल का ऑप्शन अगर ले लेते हो तो सारे के सारे आप एक साथ कर सकते हो। फिर मैं इसका कॉपी ले लेता हूँ, और इस एक्सिस से उठाकर इस पॉइंट तक रख देता हूँ। उसी तरह से इसको लेकर इस पॉइंट से इस तरफ कॉपी कर देता हूँ। फिर मैं कर दूंगा ट्रिम, PR डबल एंटर, एंड देन क्लिक। ये हमारा हो गया है रेडी विटवर्थ थ्रेड्स। बाकी बाकी टाइम की तरह ही हमको यहाँ पर भी ये जो मैच प्रॉपर्टीज हैं उसे लेकर करना है, एक्सिस लाइंस को एक्सिस की तरह बनाना है, और ये नीचे वाली चीज़ को बनाना है ग्रीन। फिर हम हैच कमांड ले लेते हैं, हैच पैटर्न हमें फिर से NC31 लेकर इस पर अप्लाई करना है। फिर से मैं मैच प्रॉपर्टीज हैच का भी इसको, तो ये हो गया हमारा विटवर्थ थ्रेड। अगला जो थ्रेड है वो है बट्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके सारे डायमेंशनिंग, जो
के थ्रेड है 0.16 टाइम्स पी है, और दो एंगल्स हैं यहाँ पे, 45 डिग्रीज का एंगल यहाँ पर और 7 डिग्रीज का एंगल वर्टिकल से यहाँ पर। जो हाइट है इसकी टीथ की वो है 0.66 टाइम्स पी। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके इस डायग्राम में यहाँ पे डाल दी हैं, और इसी का इस्तेमाल करके हम अभी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेना होगा लेंथ यहाँ से, और ये जो 9.6 का है वो लेंथ में ले लेता हूँ, 9.6 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके बाद मैं पोलर को ऑन रखते हुए एंगल जो है 45 डिग्रीज का ले लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे चाहिए एंगल 45 डिग्रीज। अब मुझे इसकी हाइट जो है वो चाहिए 39.6, तो मैं ले लेता हूँ ऑफसेट, और 39.6 का डिस्टेंस है, और ये टॉप लाइन से नीचे की तरफ मुझे इसका ऑफसेट लेना है। फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये हुई मेरी लाइन। अभी मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मुझे रोटेट करना है। रोटेट, ROENTER, क्लिक हियर, देन मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, और इसकी अच्छा कॉपी की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल होगा 7, तो -7 मुझे फीड करना होगा। यस, तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पे। इसको मुझे एक्सटेंड कर लेना है, EX डबल एंटर एंड देन क्लिक ऑन दिस। तो ये सेम कॉपीज मुझे बनानी है तीन थ्रेड की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीज मुझे बनानी है। पहले मैं ट्रिम कर लेता हूँ इसे भी, और फिर इस टोटल टीथ को सेलेक्ट करके मैं बनाता हूँ कॉपी, क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और आगे की तरफ रखते हुए पिच का डिस्टेंस कीबोर्ड से फीड कर देता हूँ जो कि है 60। फिर से इसका कॉपी मैं आगे की तरफ 60, सो दैट्स इट, ये बन गया हमारा थ्रेड। अभी मुझे इसको जस्ट क्लोज करना है, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दूंगा, मैच प्रॉपर्टीज करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज इन सभी टीथ पर लगा देता हूँ, और नीचे वाली जो है लाइंस उनको ऐसे बना देता हूँ। हैच करना है मुझे फिर से पैटर्न NC31, ये रहा हैच, और हैच पर भी मैं सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ। ये बन गया हमारा बट्रेस और टीथ, बट्रेस थ्रेडिंग। यहाँ हमें दो और थ्रेडिंग्स करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्मी का थ्रेड है, और ये पूरी की पूरी डायमेंशनिंग पी के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। तो पी है पिच डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ पर आप देख सकते हो ले रहे हैं 60 एज यूजल। टीथ का जो थिकनेस है वो है हाफ ऑफ द पिच, और पिच की जो टीथ की जो हाइट है वो है हाफ ऑफ पी, और यहाँ पर एंगल हमें मेंटेन करना होगा 29 डिग्रीज। तो इससे ये जो ऊपर वाला जो रेशो दिया है 0.37 पी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें जस्ट एंगल इंश्योर करना है कि 29 डिग्री। बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा, और यही टीथ हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें लाइन कमांड लेकर एक्सिस ड्रॉ करना है, और एक्सिस को पिच डिस्टेंस के हिसाब से हमें करना है ऑफसेट। तो इस तरह से तीन एक्सिस हम बना लेते हैं। फिर हम इसका ऑफसेट ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द टीथ। तो टीथ का जो थिकनेस है वो है 30, और उसका आधा हमें दोनों साइड लेना होगा एक्सेस से। तो हम ऑफसेट ले लेते हैं 15 का दोनों तरफ। अभी इस टीथ को बनाने के लिए हमें टोटल एंगल चाहिए यहाँ पे 29 डिग्रीज का, तो अभी मैं इसको रोटेट करूँगा। तो रोटेट मिड पॉइंट पे करूँगा मैं इसको रोटेट, और जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 29 का हाफ, जो कि होगा 14.5। और अभी मुझे इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, तो एंगल मुझे जो देना होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, और इसी तरह से इसका जो एंगल होना चाहिए वो पॉजिटिव, सेम 14.5। तो ये हमारा बन चुका है एक टीथ। इसकी जो सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हमको ऑफसेट लेना होगा दोनों तरफ 30 का हाफ।
ऑफसेट 15 दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको ट्रिम कर लूँगा, टी आर डबल एंटर। जो भी लाइंस मुझे नहीं चाहिए उनको मुझे ट्रिम कर लेना है। तो ये बन गया हमारा एक थ्रेड और इसी थ्रेड को हमें कंटिन्यूसली कॉपी बनाते जाना है। तो मैं कर लूँगा कॉपी और हर एक एक्सिस पर मैं इस थ्रेड को रख देता हूँ। फिर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ और फिर से ट्रिम कमांड टी आर डबल एंटर की मदद से इसको कर लेता हूँ ट्रिम। ये हो गया हमारा एक्मी थ्रेड। फिर कर लूँगा हैच हैच पैटर्न NC31। इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ेगी। फिर हैच की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं इस पर, एक्सिस लाइन की प्रॉपर्टीज इन लाइंस पे, और ये जो सॉलिड लाइन है इसकी प्रॉपर्टीज इन लाइंस पर। तो ये हो चुका है हमारा एक्मे थ्रेड। जो लास्ट वाला थ्रेड है वो है वॉर्म थ्रेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो एंगल है यहाँ पे वो 29 डिग्रीज का ही है। इसको हम सही से मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टॉप का जो टीथ का जो लेंथ है वो 0.34 टाइम्स भी आ जाएगा। हाइट हमको इसमें केयरफुली लेनी है, 0.69 टाइम्स पी हमको लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सब कैलकुलेशंस बना रखे हैं और टोटल हाइट भी आप देख सकते हो 41.4 यहाँ पे आई है। तो चलिए इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हम पहले एक ही टीथ बना लेते हैं और उसको हम कॉपी करते जाएंगे। तो पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर हमें करना होगा जो टीथ है उसका थिकनेस। तो हमें लेना होगा हाफ सेट ऑफ 15 दोनों ही तरफ हमें ऑफसेट लेना है। फिर पिछली बार की तरह हमें इसको रोटेट करना है अबाउट द सेंटर पॉइंट। इसका जो लेफ्ट साइड वाले का जो एंगल है वो होना चाहिए -14.5 और ये जो राइट साइड वाला है इसका एंगल होगा +14.5। अब ये रोटेशंस तो हो चुके हैं, अभी हमें सेंटर पॉइंट से एक लाइन लेनी है और उसको ऑफसेट लेकर टोटल जो हाइट है वो हमको बनानी है 41.4। इसके लिए हमें ऑफसेट 41.4 का हाफ वैल्यू का करना होगा जो कि होता है 20.5, 20.5 अपवर्ड्स एंड 20.5 नीचे। ये करने के बाद हमें फिर से ट्रिम कमांड लेना है टी आर डबल एंटर और हमें करते हुए जाना है ट्रिम। तो आप देख सकते हो कि एक टीथ हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस टीथ को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं सीओ एंटर, फिर इस डायरेक्शन में रखते हुए डिस्टेंस फीड कीजिएगा 60, फिर से इसको कॉपी करके इस डायरेक्शन में 60। इसको थोड़ा सा हम खींच लेते हैं क्लिपर की मदद से, फिर हम करेंगे ट्रिम टी आर डबल एंटर और इन सबको निकाल देते हैं। फिर हम लाइन कमांड लेकर इसको कर देते हैं क्लोज। एक्स्ट्रा लाइंस हमें ट्रिम करनी होंगी, फिर मैच प्रॉपर्टीज करके हम ये एक्सिस और ये जो थिक लाइंस हैं इसकी प्रॉपर्टीज इस पर लगा देते हैं। फिर करेंगे हैच, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, फिर मैच प्रॉपर्टीज करना है। इस हैच का प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करके हमें अप्लाई करना है इन सब के ऊपर। तो ये हो गया हमारा वॉर्म थ्रेडिंग भी रेडी। तो हमने ये सारे टाइप के थ्रेड्स आज ड्रॉ करना सीखा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है अगर तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो, शेयर। Student, here you can see how to draw the different thread forms on the AutoCAD. Okay, so one more video I want to share, which is helpful you to draw the nut and bolts in the drawing sheet. Okay. So I had explained that whatever is here, the X length
एल एंड एंड डी. सो डी ऑल द थिंग्स इज डिपेंड ऑन यू, सो यू हैव टू डिसाइड. ओके, बट व्हाट हैपेंड इन द वीडियो, देयर इज शेयरिंग दैट दे आर ऑलरेडी चूजन दीज वैल्यू. सो फाइव इक्वल टू डी इक्वल टू 20 द डायमीटर, एंड एल इज 4D टू 7D. मतलब अगर ये 20 है तो 80 एंड 140 के बीच में, सॉरी 140 एंड 80 के बीच में कोई भी वैल्यू हम एल की ले सकते हैं. सो वी हैव टू ड्रॉ दिस नट एंड बोल्ट्स. ओके, हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट्स. सो लेट इट स्टार्ट. का स्वागत है। आज मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के नट बोल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम नट बोल्ट कैसे बनाएंगे, क्या उनका साइज होता है, क्या उनका पैटर्न होता है, क्या उनका बनाने का रूल्स होता है, यहाँ आज हम सब कुछ देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि नट बोल्ट में ही बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पीस जो आप देख रहे हैं, एक इस पीस को हम बोल्ट कहते हैं, ये पीस है बोल्ट, और ये इसका दूसरा पीस है, ये है नट। ये नट को हिंदी में कहते हैं ढिबरी, जो ऊपर से इसके ऊपर लगाई जाती है। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इस तरीके से ये चढ़ाई जाती है। तो ये नट जो है, बोल्ट जो है, इस पे आपकी थ्रेड कटी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये थ्रेड कटी हुई है, ये थ्रेड हमको TPI में काटनी होती है, थ्रेड पर इंच में, उसका रूल्स अलग होता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि हमें 20 फाई का बोल्ट बनाना है, नट बोल्ट बनाना है। 20 फाई, फाई का मतलब है डाया, डाया डी बराबर है 20 फाई, और जिसकी एल लिखी हुई है 4D टू 7D। एल का मतलब है लेंथ, लेंथ हमको इस बोल्ट की रखनी है 4D टू 7D, और इसकी एच हाइट बराबर रखनी है उसके डाया के। तो देखिए अभी मैं बनाऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं ड्राइंग में मैंने एक सेंटर लाइन डाली हुई है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। इसमें एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे, तो देखिएगा गौर से, सेंटर लाइन बनाने के बाद हम किसी भी पॉइंट से, जैसा कि मैंने लिया डी बराबर 20 फाई, तो 20 फाई का मतलब है सेंटर लाइन से 10 ऊपर, 10 नीचे, ये मैंने 20 की एक लाइन ड्रॉ कर ली, किसी भी पॉइंट से आप कर सकते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है लेंथ जो है 4D टू 7D है, मींस डाया बोल्ट का चाहे कुछ भी हो, हमें लेंथ जो रखनी है वो बोल्ट की डाया की 4 गुनी से हम 7 गुनी के बीच में कितना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डाया है वो 20 फाई का है, तो 20 फाई का है, तो 20 अगर मैं 4 ही ले लूं तो ये डाया हो कि पूरी लेंथ हो जाएगी बोल्ट की 80 mm। आप कितनी भी ले सकते हैं, 5D भी ले सकते हैं, 6D भी ले सकते हैं, 7D, पर 7D से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि ये मैंने जो डाया की लाइन खींची हुई है 20 की, सेंटर लाइन से 10 ऊपर 10 नीचे, अब मैं यहाँ इसकी लेंथ रखूंगा 80 mm। तो 80 mm देखिएगा आप, ये 80 mm की मैंने लाइन खींच ली, इसको ये लास्ट में मिला दिया। अब देखिए
अब मैं आपको दोबारा से बोल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए बोल्ट को, तो ये जो इस पे थ्रेड कटी हुई है बोल्ट पे, तो आप देखेंगे लास्ट में जो थ्रेड आई है बोल्ट की पूरी लेंथ के बाद में, वो लास्ट की थ्रेड जो है वो टेपर है, उसका डाया जो है वो ओरिजिनल डाया से कुछ कम है। तो यहाँ पर भी हमारी जो लेंथ जहाँ खत्म हुई है बोल्ट की, यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे भी हम थोड़ा सा टेपर देंगे। कैसे देखिएगा गौर से, ये आप फ्री हैंड दे सकते हैं। ये फ्री एंड आप टेपर दे सकते हैं, इस तरीके से लास्ट की थ्रेड आएगी। अब देखिए ये बोल्ट की लेंथ हो गई। अब इसके बाद में बोल्ट का आपका देखा था पकड़ने के लिए ऊपर का जो पोर्शन था वो बड़ा था, तो ये पोर्शन यहाँ आएगा, लास्ट वाली थ्रेड यहाँ पर है तो पकड़ने वाला पोर्शन यहाँ आएगा, तो ये बड़ा है। अब बड़ा कितना होता है, वो होता है बच्चों इसका जो हेड है एच बराबर डी है, ये मैंने आपको बताया। और ये टोटल लेंथ जो होती है हाइट वो 2D के बराबर होती है। देखिए ये कौन सी हाइट है, ये कौन सी हाइट है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये जो है हाइट, ये 2D वाली जो हाइट है वो यहाँ की हाइट है बोल्ट को पकड़ने की। तो 2D का मतलब D बराबर है 20, तो ये हो जाएगी 40। तो यहाँ सेंटर लाइन से 10 10 और ऊपर नीचे बढ़ जाएगा। ये वाली ये 2D आ गई जो पकड़ने वाली हाइट थी। अब ये जो H बराबर D मैं आपसे कह रहा था वो ये है इस बोल्ट की अंदर की चौड़ाई गहराई, देखिएगा ये है 20। तो यहां से ये मैंने ये अंदर ले ली, यहां से ये मैंने ये अंदर ले ली। आ गया समझ में? देखिए H बराबर जो D है मैं लिख भी देता हूं, ये है H, ये है इसके D के बराबर ये जो ली गई है। तो ये आ गई आपकी 20, और ये जो 2D है वो इसकी टोटल लेंथ है। तो यहां तक ये था आपका D के बराबर, ये D था आपका डाया, और ये और बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा DY2 और DY2। इस तरीके से ये आपका फुल 2D हो जाएगा। इस 2D को हम फिर लास्ट में मिला देते हैं। इस तरीके से ये आपका बोल्ट है। अब आप देखिएगा गौर से, मैं फिर से आपको बोल्ट दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा इस बोल्ट को। ये जो बोल्ट का ऊपर का पोर्शन है ये आपका हेक्सागोनल है, आप देखिए षटभुजाकार है ओरिजिनलिटी में। तो जब हम इसे इस तरीके से सामने से देखेंगे तो इसकी हमें तीन साइड दिखाई देंगी, और ये एकदम सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा टेपर टेपर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, टेपर टेपर। देखिए तीन साइड दिखाई दे रही है, तीनों साइड टेपर टेपर। देखिए मैं और थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको, टेपर टेपर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो मैंने लकीर खींची हुई है वो स्ट्रेट है, तो इसको भी हमें टेपर करना होगा। अब कैसे करेंगे इस टेपर को, अब गौर से देखिए फिर से, ये जो लकीर टेप डाया की आई हुई है इसे अंदर की ओर बढ़ाएंगे, अंदर की ओर ये बढ़ाएंगे हम। ये जो पॉइंट आ गए इनके मिडिल पॉइंट को काउंट करेंगे, मिडिल पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, और मिडिल पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद आप यहां पर फ्री हैंड देना चाहे तो फ्री हैंड दे सकते हैं, या फिर आप इस हेड से 2 या 3 mm नीचे का पॉइंट लेके इसे सर्किल मास्टर की मदद से भी मिला सकते हैं। इस तरीके से आप मिला देंगे तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन आपका है
ये लकीर का ये आपका रफ कर दिया जाता है। अब जो आप देखिए, मैंने आपको जो वो तीन साइड डायग्राम में दिखाई थी ओरिजिनल बोल्ट में, वो तीन साइड आपकी इस तरीके से टेपर आ गई। ये आपका बन जाता है इस तरीके से, ऊपर का मिट गया। अब देखिए इसका नट बनाएंगे हम। अब इसका हम नट बनाएंगे तो देखिए, नट जो बोल्ट होता है हमारा, बोल्ट का ये पकड़ने वाला जो पोर्शन है, नट भी हमारा इसी के बराबर का होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ प्रकाल की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए बच्चों, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी है 2D। इसका मतलब अब इस बोल्ट का जो नट बनेगा वो इसके बराबर का है, और जब इस साइज के बराबर का है तो इसका डाया हो जाएगा 2D, और 2D का मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी D। रेडियस क्या होती है? हाफ होती है डाया की, और डाया अब है आपका 2D के बराबर। ये डाया है इसके लिए, तो रेडियस R बराबर हो जाएगी 2D/2। ये आ जाएगा आपका D, और D बराबर आपका दिया हुआ है आपको 20। तो अब हम यहां पर 20 की रेडियस यहां से इस प्रकार में लेंगे, 20 की रेडियस लेंगे, और ये मैंने सेंटर लाइन पहले से ही डाल रखी थी। इस सेंटर लाइन को रख कर किसी भी पॉइंट पे ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया 20 की रेडियस से। अब इसका पूरा डाया आ गया 40, जो इसके इस साइज के बराबर का हो गया, इसके हेड के बराबर का। ये आपका सेंटर पॉइंट है इस सर्किल का, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है। यहां से मैंने ये 20 फाई का, 20 रेडियस का गोला बनाया है, सर्किल बनाया है। अब देखिए मैं इसमें एक वर्टिकल सेंटर लाइन और डालता हूँ, एक बड़ी एक छोटी। ये सेंटर लाइन की पहचान है, इसको